एक समय पहले भैरवी नामक एक बूढ़ी औरत रहती थी। शादी के उम्र आए हुए अपने बेटे के लिए रिश्ते ढूंढने के समय में एक शुभ कार्य में एक सुंदर सी औरत को देखती है। यही मेरी बहू बनेगी। ऐसे अपने आसपास के लोग को खुशी से बोल के उस औरत के माता पिता के पास जाके बात करती है। पति चंद्रशेखर और बेटा विग्नेश को बुला के उस औरत के बारे में बोलती है। माँ, मेरे उस लड़की को देखे बगैर ही तुमने रिश्ता बात कर लिया। बेटा, अगर मुझे एक लड़की इतना पसंद आई कि मैंने उसे सीधा अपना बहू मान लिया तो तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें पक्का वो बहुत पसंद आएगी। ऐसे अपने परिवार के साथ उस लड़की के घर जाती है। वहाँ लड़की को देख विग्नेश उस पे लट्टू हो जाता है। ऐसे भैरवी विग्नेश और नैना की शादी करवाती है। शादी होने के बाद पहले दिन ही नैना सुबह उठ के खुद सारे काम करना शुरू करती है। सासू माँ, ये लीजिए कॉफी। ऐसे सास को कॉफी देकर घर पूरा साफ करके नहा के भगवान की पूजा करती है। ये सब देख के भैरवी अपने पति चंद्रशेखर से कहती है, देखा आपने मेरी बहू कितनी तेजी से सारे काम कर रही है। ये सुनकर चंद्रशेखर वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। कुछ देर बाद बहू को ढूंढते हुए भैरवी रसोई घर में जाती है। बहू, खाना बनाना हो गया, आपके ससुर का खाने का समय हो गया। सासू माँ की बातें सुनकर नैना हाथ में झाड़ू लेके आती है। जी सासू माँ, घर की सफाई करके नहा के भगवान की पूजा करके तब खाना पकाऊंगी। हाँ, ये क्या बहू, अभी अभी तो सारा काम कर लिया तुमने, मुझे कॉफी भी दिया तुमने, वापस झाड़ू पकड़ी हो, जाओ जाके खाना बनाओ। हाँ, मैं तो अभी उठी, सासू माँ क्यों कह रही है कि मैंने सारे काम कर लिए, क्या मैंने सच में सारा काम कर लिया? ऐसे जब सोच के पूरा घर देखती है तो सारा साफ नजर आता है और पूजा के कमरे में भी दीप जलते दिखता है। मैंने तो सच में सारा काम खत्म कर लिया, ऐसे कैसे भूल गई? भुलक्कड़ बुद्धि मेरी, जाके जल्दी से खाना पकाना है। ऐसे सोच के जल्दी से खाना बनाना खत्म करती है। क्या मैंने पोहा में नमक डाला? ऐसे दो बार नमक डालती है। अपनी सास ससुर को खाना लगाने जाती है और खुशी से उन्हें खाना परोसती है। पोहा को मुंह में डाल के नमकीले होने के कारण भैरवी कहती है, ये क्या है नैना, सुबह झाड़ू करके वापस करने निकली, पोछा मार के वापस मारने गई, दीप जला के वापस करने गई, अब भी लगता है कि पोहा में नमक दो बार डाली है तू, इसीलिए इसे खा नहीं पा रहे हैं। मुझे तुम्हारा समस्या समझ में नहीं आ रहा। ऐसे कह के वहाँ से दोनों पति पत्नी चले जाते हैं। नैना उन्हें उल्टा जवाब नहीं देती है और भुलक्कड़ होने के कारण ये सब भूल भी जाती है। अरे रे, मेरे पति उठ गए होंगे शायद, मुझे उनके लिए कॉफी लेके जाना है। ऐसे अपने पति विग्नेश के लिए कॉफी लेके जाती है। ये लीजिए कॉफी। हाँ, 30 मिनट पहले ही तो कॉफी दिया तुमने, वापस क्यों दे रही हो? मैं वापस नहीं पी सकता, जल्दी से टिफिन लगाओ ना, खा लूंगा। जब नैना अपने पति के लिए टिफिन लगा रही होती है तब भैरवी अपने बेटे को जो कुछ भी हुआ बताती है। लगता है कि बहू पे किसी का बुरा नजर पड़ गया, मैं एक पूजा करवाऊंगी तभी सब संभल जाएगा। ऐसे बेटे से कह के यही बात बहू को बताने जाती है। बहू, हमारे घर में कल एक पूजा रखी है मैंने, हमारे अड़ोस पड़ोस के औरतों को जाके बुलाओ। जी माँ जी, ऐसे कहती है कि सबको बुला के आएगी। सबसे पहले सुगना के घर जाती है। सुगना दी, कल घर में पूजा रखी है, आपको जरूर आना पड़ेगा, सासू माँ ने ये कहने के लिए मुझे भेजा। वहाँ से वैभवी के घर बुलाने जाती है। तब कल क्या सुगना भी आ रही है भाभी? हाँ जी, अभी मुझे बस जाके उनको बुलाना होगा। ठीक है।
ऐसे सुगना के घर दोबारा जाती है उसे बुलाने। सुगना को ये सब समझ में नहीं आता है और इसकी बात करने वैवी के घर जाती है। ऐसे आसपास के सारे लोग नैना के व्यवहार को देख आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सच्चाई जानने पूजा को भी आते हैं। पूजा में नैना को किए हुए काम दोबारा करते देख सबकी बातें सुन के भैरवी बहुत निराश होती है। पूजा के खत्म हो जाने के बाद बेटे को बुला के सच कहती है। विघ्नेश, नैना को भूल जाने की बीमारी है, इसीलिए वो किए हुए काम दोहराती है। उसके वजह से मैं अपने जान पहचान के लोगों के सामने एक मजाक बन गई हूँ कि चुन चुन के एक भुलक्कड़ बहू को ही घर ले आई। ऐसे मेरा मजाक उड़ाना मैं सहन नहीं कर पा रही, कुछ तो करना पड़ेगा। माँ, आज के दिन में नैना जैसे सुशील लड़की का मिलना ही बहुत है। वो खाना बना लेती है, अकेले ही घर का सारा काम करती है, आए हुए रिश्तेदारों का अच्छा स्वागत करके उनका ख्याल रखती है और ऐसे बहुत कुछ। मुझे नैना बहुत अच्छी लगी है माँ। इस समस्या का हल मेरे पास है, आप चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। आप खुद नैना में बदलाव देखेंगी। ऐसे कह के नैना को एक पुस्तक देता है। नैना, अब से तुम जो भी काम करती हो इस पुस्तक में लिख के उसे कहीं चिपकाओ। ऐसे तुम्हें दिखेगा कि कौन कौन से काम तुमने कर लिया है, और ऐसे ही अगर कुछ दिन तुम करोगे तो काम वापस नहीं दोहराओगे और तुम्हारा बीमारी भी ठीक हो जाएगा, ऐसे मुझसे डॉक्टर ने कहा है। विघ्नेश की बातें मानकर उसके दिए हुए सलाह के पालन करके कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। भैरवी के आसपास के लोग भी उसका मजाक उड़ाना बंद करके नैना को उसकी सुंदरता, सुशीलता और अच्छाई के लिए बहुत पसंद करते हैं। उसको दूसरे लड़कियों के लिए आदर्श की तरह भी दिखाया जाता है। ऐसे एक अच्छा जीवन निभाती है नैना। एक समय की बात है, विनायक नगर नामक गांव में 65 साल की एक औरत लीलावती रहती थी। वह अपने दो बेटों और उनके परिवारों के साथ रहती थी। वह एक ही घर में रहते थे। लीलावती को स्वादिष्ट खाने खाने का बहुत शौक था। उसे अच्छे कपड़े पहनने का, आईने में अपने आप को देखने का बहुत शौक था। जब उसके बेटे काम पर निकल जाते, उसकी बहुएं अपने काम में व्यस्त हो जाती, मगर लीलावती को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, इधर आओ जरा। जी जी माँ, बोलिए। अरे, क्या तुम मुझे वो गिलास दे सकती हो जिसमें पानी रखा हुआ है? लीलावती बहुत आलसी थी, अपने बाजू में पड़ा हुआ गिलास भी वह उठा नहीं सकती थी। वह हर बार ऐसे ही करके किसी ना किसी को बुलाती और उन्हें परेशान करती। उसकी बहुएं उसका कहना तो मान लेती थी, मगर वह भी बहुत परेशान रहती थी। क्योंकि उसे खाने का बहुत शौक था, जब अच्छा पकवान पकता था तो वह खुद रसोई घर में जाकर देखना चाहती थी कि क्या पक रहा है। अरे बहू सुनो, तुम क्या पका रही हो? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। फिर जब लीलावती की बहुओं ने खाना बना लिया तो वह इंतजार करती थी कि वह रसोई से बाहर कब आएंगी। वह रसोई में जाकर सभी पकवान देखती थी, एक एक करके उन्हें सूंघती थी और फिर कटोरी में सामान भरकर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती थी। भोजन के समय बहुएं पहले सबको खाना परोसती थी, मगर जब उनकी बारी आती तो खाना कम पड़ जाता था। उन्हें पता ही नहीं था कि खाना कम कैसे पड़ जाता है। कभी कभी तो उनके पति उन्हें गुस्सा भी करते थे कि क्यों उन्होंने सही मात्रा में खाना नहीं बनाया है। ऐसा देख के लीलावती मन ही मन खूब हंसती, मगर वह अपने बेटों को कुछ नहीं कहती थी कि वह अपनी पत्नियों से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। फिर एक दिन लीलावती के बेटे बाजार से कुछ मिठाइयां लेकर आए और वो मिठाइयां उन्होंने अपने बच्चों के लिए रख दी। लीलावती से तो रुका ही नहीं गया,
वह अपने पोते पोतियों के पास आई और मिठाई का डब्बा उनसे ले लिया। सुनो बच्चों, ये मिठाइयाँ मैं तुम लोगों में बराबरी में बांटूंगी। चलो अपनी आंखें बंद करो और अपना हाथ आगे करो बच्चों। ऐसा सुनकर बच्चों ने वैसा ही किया जैसे उनकी दादी माँ ने कहा। फिर लीलावती ने उस डब्बे में से कुछ मिठाइयाँ चुपचाप अपने पास रख ली और बाकी की मिठाइयाँ बच्चों को दे दी और फिर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। ये ही नहीं, वह तो अपनी बहुओं की साड़ियां भी चुराती थी। जब उसकी बहुएं साड़ियों को तार पे सूखने के लिए टांगती, वह चुपचाप साड़ियां ले जाती। उसकी बहुएं परेशान हो जाती कि ऐसा किसने किया है। उन्हें लगता कि साड़ियां कहीं गुम हो गई हैं। माँ जी, आपने मेरी लाल साड़ी देखी क्या? मैं कई समय से ढूंढ रही हूँ मगर मुझे मिल ही नहीं रही। मैंने उसे सूखने के लिए तार पे डाला था, क्या आपने देखी है? नहीं बहू, मैंने नहीं देखी। मुझे लगता है वो पड़ोस की राधा ने ऐसा कुछ किया है। कल मैंने वो साड़ी उसके पास देखी थी। हाँ माँ जी, मेरी साड़ी भी गुम चुकी है। मुझे लगता है ये राधा का ही काम है। तुम दोनों को उसके पास जाकर बात करनी चाहिए। ऐसा बोलकर उसने अपनी बहुओं को बहकाया। जैसा उनकी सास ने कहा, वह दोनों अपनी पड़ोसी राधा के पास गईं और लड़ने लगीं। राधा की तो कोई गलती ही नहीं थी। और उन्हें लड़ता देख लीलावती दूर से हंसने लगी। इनको तो पता ही नहीं चलेगा कि ये मैंने किया है। देखो कैसे लड़ झगड़ रही हैं। लीलावती ऐसे ही अपने परिवार में सबको तंग करती। फिर एक दिन जब वह खाना खा रही थी, लीलावती को बहुत खुशी हुई ये जानकर कि अगले हफ्ते दशहरा आ रहा है और वह चाहती थी कि सब लोग नए कपड़े खरीदें। जी माँ, हमें कपड़े खरीदने चाहिए। और हाँ, अभी सासू माँ भी आ रही हैं, तो क्या आप उनके लिए भी कपड़े खरीद लेंगी? वह दशहरा मनाने आ रही हैं। यह सुनकर लीलावती नाराज हो गई। उसे जलन मच रही थी कि वह क्यों आ रही है। आने दो उसे, मुझे पता है यहाँ से उसको कैसे भगाना है। अगले दिन लीलावती अपने कमरे से बाहर आई और उसने अपने बेटों और बहुओं को किसी का इंतजार करते हुए देखा। वह सब बरामदे में खड़े थे। हे भगवान, देखो कैसे ये लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। क्या इन्होंने मेरा इंतजार ऐसे किया है कभी? हे भगवान। फिर लीलावती के बड़े बेटे की सास वहां पधारी और जैसे ही वह अपनी गाड़ी से उतरी, बच्चे भागे दौड़े उनके पास गए। पुष्पा बच्चों के लिए और बाकी सब के लिए कई उपहार लाई थी। वह बच्चों के लिए खिलौने और बेटियों के लिए साड़ियां लाई थी। पुष्पा ने लीलावती को भी एक सुंदर सा बस्ता भी दिया। लीलावती ने वह बस्ता तो कबूल किया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई और फिर बाहर आई। बाहर आकर उसे स्वादिष्ट खाने की सुगंध आई तो वह सोचने लगी कि बहुत कुछ बना है, मगर उसे जलन भी मच रही थी। ये देखो, इन बहुओं ने मेरे लिए कभी इतने सारे स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं, अभी मैं इनको मजा चकाती हूँ। फिर ऐसा सोचते हुए वह इंतजार करने लगी कि कब उसकी बहुएं रसोई से बाहर आएं। जैसे ही वे दोनों रसोई से बाहर आईं, चुपचाप लीलावती रसोई घर में चली गई और पकवान में उसने खूब सारी मिर्च डाल दी। फिर जैसे ही सबने खाना शुरू किया, सब लोगों से खाया ही नहीं गया। सबको खूब मिर्च लग रही थी। सब तो पानी के लिए तड़पने लगे मगर लीलावती ने तो खाने को छुआ तक नहीं था।
मगर उसे ऐसा लगा कि सबको शक हो जाएगा कि उसने कुछ गड़बड़ की है। तो वो भी नाटक करने लगी कि उसे भी खूब मिर्ची लगी और पानी के लिए तरसने लगी। मगर पुष्पा को शक हुआ। पुष्पा ने लीलावती को कुछ ना खाते हुए देख लिया था। उसे ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। पुष्पा ने लीलावती पर नजर रखनी शुरू कर दी। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। पुष्पा ने ऐसा देखा कि लीलावती बच्चों से मिठाइयां चुराती है और अपनी बहुओं की साड़ियां चुरा कर उस बस्ते में रखती है। उसने यह भी देखा कि वह चुपचाप रसोई में जाके सब्जियां कटोरी में भरकर चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है। इन 10 दिनों में पुष्पा को लीलावती के बारे में बहुत कुछ पता चला। फिर एक दिन जब सब लोग घर पर थे, पुष्पा ने सोचा कि ये सही वक्त है कि उसे सबको बताना चाहिए कि इस घर में क्या चल रहा है। लीलावती सुनिए, क्या आप वो बस्ता ला सकती हैं जो मैंने आपको दिया था? मैं आपको वापस लौटा दूंगी। फिर ऐसा कहकर पुष्पा झट लीलावती के कमरे में गई। लीलावती तो पुष्पा से पहले जाने की कोशिश कर रही थी, मगर असफल रही। पुष्पा ने वो बस्ता खोला और सब लोग उसके अंदर देखकर हैरान रह गए। उसमें कई प्रकार की मिठाइयाँ, बहुओं की साड़ियाँ, आईना और पैसे थे। वह ये सब अपने परिवार वालों से चुराती थी। लीलावती, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे बहुएं और तुम्हारे पोता और पोती, ये तुम्हारा परिवार है। ये किसी और के नहीं है, ये तुम्हारा परिवार है। लीलावती, तुम्हें क्या लगता है कि ये सही कार्य है जो तुम इतने दिनों से कर रही हो? माँ, आप ऐसा क्यों कर रही थी? इसी कारण से बच्चे हमेशा आपसे परेशान रहते थे। माँ, आपको नहीं लगता कि जब हम काम से घर आते हैं तो हम थके हुए होते हैं? और आपको ऐसा करने की क्या जरूरत थी माँ? आप सबके साथ खुशी खुशी रह सकती हैं। आपने सबको कितना परेशान किया है माँ। माँ जी, आपने ही हमें राधा के बारे में बताया था। वो मेरी कितनी अच्छी दोस्त थी। आपके झूठ की वजह से अब मेरी दोस्ती भी उससे टूट गई है। माँ जी, हमने आपका बहुत ख्याल रखा, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं हमारे साथ? लीलावती को अपने से कम उम्र के लोगों को ऐसा कहते हुए बहुत बुरा लगा। ज्यादा बुरा इसलिए लगा कि वह उसके खुद के परिवार वाले थे। उसे एहसास हुआ कि वह कितना गलत कर रही थी और उसने सबसे माफी भी मांगी। उस दिन से लीलावती अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखती थी। वह अपनी बहुओं का भी खूब ख्याल रखती थी। वह अपनी बहुओं की काम करने में मदद भी करती थी। ऐसा सब देखकर पुष्पा भी बहुत खुश हुई कि उसके रहते रहते लीलावती का हृदय परिवर्तन हुआ। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने पास मौजूद जिंदगी से संतुष्ट रहना चाहिए। उम्र के साथ हमें अपना व्यवहार भी बदलना चाहिए, नहीं तो इससे हमारे अपनों को चोट पहुंच सकती है। लालची बहु। बहुत साल पहले था एक गांव द्वाराक्षी नामक, जहां पर बहुत सारे परिवार रहते थे। एक था रामेश्वर का परिवार। रामेश्वर के थे 3 बेटे। पर एक दिन गांव के मेले में सबसे छोटा बेटा राजू खो गया। तब से रामेश्वर और उसकी पत्नी ने दोनों बेटों को बहुत ही ध्यान से बड़ा किया। दोनों बेटे बड़े हो गए और उनकी शादी की उम्र भी हो चुकी थी। दोनों को अच्छे खासे संबंध आने लगे। अच्छे रिश्ते मिलने के बाद दोनों की शादी बड़े धूमधाम से कर दी गई। दोनों बेटों की अच्छी नौकरियां थी तो वे सुखी से अपनी अपनी पत्नियों के साथ रह रहे थे। इसी दौरान रामेश्वर ने अपने काम से इस्तीफा दे दिया और सिर्फ घर के मामलों को संभाल रहा था। अचानक से
कुछ दिनों से दोनों बहुओं में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। घर के काम काज में, खाना पकाने में, यहाँ तक कि कपड़े पहनने में भी दोनों के बीच में प्रतियोगिताएं होती थी। दोनों के बीच हालात इतने खराब हो गए कि बात भी करना बंद कर दिए। देखते ही देखते दोनों अपने पतियों के पास गए और बोले कि अब से वह एक दूसरे के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते। अपने पतियों को बोला कि वह जायदाद से अपना हिस्सा ले और अलग घर में रहना शुरू कर ले। दोनों भाइयों ने इस बात को मान लिया और इस बारे में अपने माता पिता से बात करने चले गए। पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करना है। उसी समय छोटा बेटा भी उधर आया कोई जरूरी बात बोलने के लिए। मुझे भी कोई जरूरी बात बोलनी है आप लोगों से। क्या हुआ बेटा? हम अलग से रहना चाहते हैं। क्या आपने जायदाद का बंटवारा कर दिया है हमारे बीच? ये तुम दोनों क्या बोल रहे हो? ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? पिताजी, मेरी पत्नी इस घर में बिल्कुल खुश नहीं है। मुझे तुम्हारी वजहों से कोई मतलब नहीं। तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी माँ तुम लोगों के बगैर रह पाएगी? ये सब सुनकर दोनों बहुओं ने अपना अपना सामान लिया और कमरों से बाहर निकल आए। सुनिए जी, इन लोगों के पास है भी क्या आप दोनों भाइयों में बांटने के लिए? चलिए चलते हैं। हे भगवान, हमारी किस्मत ही खराब होगी अगर हमें यहाँ रहना पड़ेगा तो। आइए जी चलते हैं। ऐसा कहकर दोनों बहुएं अपने पतियों को लेकर घर से चले गए। रामेश्वर की पत्नी का दिल अपने बेटों को जाते हुए देखकर टूट गया और वह जल्द बीमार पड़ गई। दिन रात अपने बच्चों के बारे में ही सोचती रही। ये सब देखकर रामेश्वर भी बहुत उदास हो गया। एक दिन रामेश्वर के घर कोई आदमी आया। जब रामेश्वर ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि वह आदमी बिल्कुल उसी की तरह लग रहा था। वह हैरान रह गया। आप रामेश्वर हो क्या? मैं आपका तीसरा बेटा राजू। मेरा बेटा राजू? रामेश्वर ने अपने बेटे को कस के गले से लगा लिया और अपनी पत्नी के पास ले गया उसके बेटे से मिलवाने के लिए। अपने बिछड़े हुए बेटे को देखकर माँ खुशी से झूम उठी। राजू ने पूछा कि उसके भाई किधर है तो माता पिता ने उसको सारी कहानी सुनाई। राजू इस मसले को हल करना चाहता था। उसने दोनों भाइयों को पत्र लिखा ये बोलते हुए कि उनके पिता रामेश्वर ने अपनी पूर्वजों की जायदाद हासिल कर ली है और अब उनके नाम पे करोड़ों की प्रॉपर्टी है। पत्र में ये भी लिखा था कि जो भी बेटा अपने माँ बाप से सबसे ज्यादा प्यार, आदर और ख्याल रखेगा उसी को ये सारी जायदाद मिलेगी। ये पत्र पढ़कर दोनों बहुओं ने अपने पतियों को वापस घर जाने के लिए मना लिया। ओ पिताजी, आप इतने कमजोर पड़ गए? हाँ पिताजी, आपको पानी चाहिए क्या? आपने दवाई ली? दोनों बहुओं ने माँ बाप की पूरी सेवा की उनका दिल जीतने के लिए। दोनों भाइयों ने देखा कि कैसे उनकी पत्नियां इतना नाटक कर रही थी और हैरान रह गए। फिर दोनों भाई भी मिलकर अपने माता पिता की सेवा में लग गए। उसी समय राजू घर आया। माँ, पिताजी। बड़े भाई और उनकी पत्नियां राजू को देखकर हैरान रह गए। राजू सबको देखकर खुश हो गया कि उसकी योजना काम कर गई। उसने अपने भाइयों को गले से लगा लिया और वो भी राजू को देखकर खुश थे। दोनों बहुएं मन लगाकर मेहनत करने लगी। उनकी मेहनत देखकर भाइयों ने भी उनकी मदद की। डोसा, चाय, कॉफी सब कुछ अपने सास ससुर के लिए बनाया। दोनों ने घर का सारा काम संभाला बिना किसी झगड़े के, ताकि उनको जायदाद में से हिस्सा मिल जाए।
ये सब कुछ माँ पिता और तीन भाइयों के लिए कुछ नया था। कुछ दिनों बाद पत्नियाँ अपने पतियों से पूछने लगी कि अब जायदाद का बंटवारा कब होगा। दोनों बेटे गए अपने पिता से सवाल करने के लिए। मैं अपनी सारी जायदाद अपने सबसे छोटे बेटे राजू को दूंगा। हमारे बुढ़ापे में जब हम कमजोर हो गए थे, सिर्फ राजू हमें बचाने आया। पर तुम लोग वापस यहाँ इसीलिए आए ताकि तुमको जायदाद में हिस्सा मिल जाए। पर राजू, उसको सिर्फ हमारी चिंता थी। सच में क्या शर्म की बात है, तुम्हारी वजह से मैंने अपने माता पिता को ऐसे छोड़ दिया जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। जो काम हमको करना था वो हमारे बिछड़े हुए भाई ने कर दिखाया। हमें छोटे की बुद्धि नहीं थी। पिताजी, अब से हम भी आप दोनों का ख्याल रखेंगे और आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। हमें जायदाद में से हिस्सा मिले या नहीं, तब भी हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हमारी पत्नियों को हमारे साथ अगर रहना है तो रह सकती है, नहीं तो नहीं। बहुओं के पास अब कोई और रास्ता नहीं रहा, तो उन्होंने भी अपनी लड़ाई सुलझा ली और अपने सास ससुर से माफी मांग ली। उस दिन से दोनों बहुएं अच्छे से और खुशी से रहने लगे और अपने घर के बड़ों का आदर भी करने लगे। रामेश्वर का परिवार फिर से एक हो गया। राजू के लिए भी एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर उसकी शादी भी धूमधाम से कर दी गई। अंत में पूरा परिवार सुखी से रहने लगा।